क्लास ऊपर में है ना, ग्रास ऊपर सर, नौ तो ग्रास ऊपर के दोनों सेम है। एक्सेप्शन है ग्रास ऊपर जो मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा हम भी बहुत क्लियर नहीं है वैसे देख लेना, लेकिन है ग्रास ऊपर का ही है, एक्स एक्स और एक्स टाइप का, एक वाई टाइप का और मैंने मेमल्स का भी, और बर्ड्स का जेड जेड प्लस जेड डब्ल्यू टाइप है, बर्ड्स का वो हो गया, इंसेक्ट का एक्सो प्लस एक्स ए हो गया एक्सो, और एक्स 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 वाई हो गया इसका, और ग्रास ऊपर इसके साथ है। वैसे एक बार क्लियर कर लेना, जैसे मुझे जो याद आ रहा है यही मैं क्लियर हूँ, ठीक है। इसमें इसका डेटा इसका तो आप लोग जानते भी होंगे, इसको पढ़े भी होंगे, है ना। और इसके लिए क्या करेंगे, एक्स एक्स और एक्स वाई के लिए आप जानते हैं भाई, इसके गई सेपरेट हो जाएंगे, है ना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो एक्स एक्स हो गए, ये देखिए गैलिक्स बन गए, और ये जो है इसके जो गैलिक्स बनेंगे तो एक्स और वाई बनेंगे, यही ना, है ना। तो ये इसका होगा, ये इसका होगा, इसकी क्रॉसिंग जब इससे होगी तो एक्स एक्स माने ये गर्ल, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई माने वाई, ये है इसका, ये इसका सेक्शनल रिलेशन, ठीक। लेकिन सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में जो सेक्स इंटरपोलेशन के लिए रिस्पांसिबल हो वो हेटरोगैमेटिक है, इस नाते हम आपको पढ़ ले सकते हैं हेटरोगैमेटिक और होमोगैमेटिक, तो इसमें हेटरोगैमेटिक वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुनो, एक एक्सेप्शन यहाँ भी है, जो जेड 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 डब्ल्यू टाइप है उसमें उसमें जो होमोगैमेटिक है वो फीमेल है, सॉरी मेल है, और हेटरोगैमेटिक फीमेल है, उल्टा है। आप देख लीजिए एनसीईआरटी, देख के क्लियर कर लीजिए। हेलो, हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ तैयार करने का तरीका बता रहा है, ठीक है भैया। और ये कर लेना, एक्स एक्स एक्स
कितना लिख दिया 36 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसमें इसमें कौन हो गया, इसमें हेटेरो वाइब्रेट के कौन हो गया, मेल हो गया। इसमें देखिए ऐसे ऐसे कर दिया, जेड जेड प्लस जेड जेड टू टाइप, तो ये इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर देख लेना जरा। तो इसमें इसमें देख लीजिएगा, इसमें फीमेल हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल यूं ही चाहिए लिख लीजिएगा, ये बर्ड्स के लिए है। इसके एग्जांपल लिख लीजिएगा कि इंसेक्ट के लिए है। इसके एग्जांपल लिख लीजिएगा कि मैमल्स के लिए। ये तो ऐसे एक छोटे से चार्ट में तैयार हो जाएगा बढ़िया से, ये हो गया ठीक। एक छोटा सा चार्ट ऐसे बनाना, तो उसमें जो चीज़ें मिस हो रही हैं, जैसे ग्रास ओपर वाला कन्फ्यूजन है, तो जैसे ग्रास ओपर वाला जब एक बार से देख के कंसेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, तो लिख लेना कि भाई ग्रास ओपर इसी में है, मेमल्स के साथ है ना। फिशेस कहाँ है एक बार देख क्लियर कर लेना, तो बर्ड्स ऐसे कर लेना। तो ये थोड़ा सा एक सर्च वर्क है बेटा। हाँ यस यस है वो, तो उसमें जो फीमेल है चाहे जो सिंबल से नहीं मतलब है, हाँ वो चाहे जो बनेंगे तो करेक्ट। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए तो ठीक है। इस थोड़ा सा चार्ट इस पर बनाना बेटा, क्योंकि मौत में क्या दिया है, मौत में क्या दिया है, जेड 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 को टाइप का यस यस यही है बेटा, जो सिंपल चेंज कर दिया है 105 का इंसेक्ट में जाएगा। डिसऑर्डर में वो कोई इनको मिलिया है आपका
सिकल सेल एनीमिया है, नेफिंडो है, तो फिनाइल पिटूटरीया हो गया आपको लगता है। जरा देख देखिए बताइए, लिस्ट देखिए, सिलेबस देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फिनाइल पिटूटरीया है ना, किसमें बेटा किसमें बोलता है, किस टॉपिक की बात डिसऑर्डर में क्या बताते हैं, जो एक एरो बना के देता है कि इसमें कलर ब्लाइंडनेस होगा, इसमें फादर नहीं है, तो इसमें नहीं होगा, होता नहीं कि मदर टेबल बना के। हमने तो हमने एक भाई ये देखिए वो उसी पर बेस्ड है जो मैंने एक ब्लड ग्रुप बताया था यहाँ यहाँ पे आपको, उसमें एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था ना कि ब्लड ग्रुप वाले पर, तो उसी टाइप की ये बनेंगे जैसे हीमोफिलिक नहीं जैसे क्वेश्चन है ये नहीं तो कैटेगरी एनालिसिस है ना। हाँ ठीक है, तो देख हाँ कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे है ना कि जो ये इनहेरिटेबल डिजीज है, जो डिजीजें ऐसी हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीजें हैं, वो केवल फीमेल उसमें फीमेल जो होती है वही उसमें डिजीज होती है, मेल डिजीज नहीं होते। कैरियर का काम, हाँ कैरियर का काम करते हैं जो मेल है वो कैरियर का काम करते हैं, डिजीज होती है फीमेल, समझ रहे ना, तो केवल एक्स जीन को ही इफेक्ट करेंगे। एनसीईआरटी में ही तो दिया है कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज जिसमें हीमोफिलिक है हीमोफीलिया है ना, और सिकल सेल एनीमिया भी है उसी लिस्ट में। तो इस तरह से अब उस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि इफ द फीमेल इज हीमोफिलिक है ना एंड नॉर्मल मेल बोथ आर मैरिड है ना। भाई देखिए अगर हीमोफिलिक फीमेल है और नॉर्मल मेल से उसकी शादी हो गई तो पूछेगा कि जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन होगी जो एफ वन जनरेशन होगी उसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनता है ना। तो वो आप जो है उसको क्रॉस से कैसे बताएंगे, बस यही है उसमें। तो देख लीजिए इसको, देख लीजिए बता दे रहे हैं ठीक है। अगर नॉर्मल मेल है ठीक है ना, देख लो नॉर्मल मेल, अगर नॉर्मल मेल बेटा तो इसके इसका जो होगा वो एक्स वाई होगा ना, एक्स वाई है ना, और अगर डिजीज है माने हीमोफिलिक फीमेल है, यही ना, हीमोफिलिक फीमेल है तो हीमोफिलिक फीमेल है तो फीमेल के लिए एक्स एक्स लेंगे बोलो, और हीमोफिलिक है तो इसके लिए चाहे ऊपर ऐसे सी ले लीजिए चाहे एच ले लो, सिंपल आपके ऊपर कोई बात नहीं, मतलब आप इसको यहाँ प्लस ले लीजिए, प्लस ले करके आप कर सकते हैं। ये आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई एक्स जो हमारा क्रोमोसोम है ये क्या है, इन्फेक्टेड है, नॉर्मल अगर होता तो ऐसे होता, ये समझ पा रहे हैं, इन्फेक्टेड है अगर तो इस पर कोई साइन बना देंगे क्रॉस की चाहे प्लस बना दो ऐसे, तो आप ये कहेंगे कि इन्फेक्टेड है ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस करवाते हैं, तो इसका देखिए इसका इस तरीके से क्रॉस करवाते हैं ठीक है, एक क्रॉस तो इसका ये हो गया है ना, समझ पा रहे हैं, और एक क्रॉस हो गया इसके साथ ये करेक्ट, तो इसका इसके साथ जब क्रॉस होगा तो यस यस और यस बेटा ठीक है ना, एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन करके तैयार हो गया बन गया। दूसरा देख लीजिए एक्स वाई प्लस और वाई ये बना ठीक है ना, और तीसरा देख लीजिए तीसरा भी बनेगा, मतलब केवल जिसका इसके साथ हमने प्लान कराया ना इसका इसके साथ भी कराएंगे तब भी वही होगा, माने एक्स 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 देखो देखिए इसके साथ करवाया है ना, और वाई के साथ इसका करवाएंगे अभी एक कराएंगे
तो एक्स एच और वाई, ठीक है ना। एच और प्लस में कंफ्यूज मत करिएगा, कहीं कहीं एच और कहीं कहीं प्लस हो गया, प्लस एक है मान लीजिए उसको इंटरफेक्ट। तो हमको जो मिला ये दोनों देखिए स्टूडेंट सेम मिले, ये सेम मिले और ये सेम मिला। देखो बेटा दोनों सेम है ना, ये सेम है ये सेम है, मैंने इसको एरो कर दिया है। यानी 50% जो होंगी क्या होंगी, फीमेल होंगी, और 50% क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है ना। तो है क्या जो मेल है वो करेंगे और एक्स टीम पर ये अपना इफेक्ट दिखा देगा, समझ रहे हैं। यानी जो 50% होंगे, 50% जो होंगे वो नॉर्मल होंगे या कैरियर कर सकते हैं, डिजीज नहीं होंगे। ये देख लीजिए ये, यानी यहाँ एक्स एक्स पर है लेकिन वाई ठीक है क्योंकि मेल है, इस नाते केवल कैरियर होगा, कैरियर होगा, ये वाहक होंगे, क्या होंगे, वाहक होंगे, ठीक है। और ये डिजीज हो जाएगी, इन्फेक्टेड। इस तरीके से प्रॉब्लम बना करके इस पर पूछता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि अगर ये कह दिया कि कैरियर में मेल अगर कैरियर है, तो मेल अगर कैरियर है तो क्या होगा बोलो, क्योंकि मेल के पास एक्स वाई है और एक्स क्या है, एक्स भी जीन इफेक्टेड होगा लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसमें एक्स एक्स मान लीजिए रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ये कैरियर मेल हो गया। कैरियर मेल आप कैसे बना लें, ये कैरियर मेल होना चाहिए। इसका एक तरीका और हमारा इस तरह से आप बना सकते हैं, किताबों में ऐसे ही दिया होगा, इसको भी देख लीजिए ऐसे, जैसे देख लो ये है ना, तो आप इसको एक्स एक्स यहाँ मेल को कर देते हैं एक्स प्लस और वाई ऐसे कर दिया, और इसको हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल है तो एक्स एच और एक्स एच ऐसे कर दिया बेटा। तो क्या करेंगे, इधर कर देंगे तो मेल को प्लॉट कर देंगे, देखते 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 जाइए एक्स एच और ऐसे कर दिया, क्रॉस करवा देंगे तो जो क्रॉस करवा देंगे, सॉरी हाँ एक ही सिंपल होता है, इससे कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो एक्स एच और एक्स एच ये देखिए, ठीक दूसरा देखिए एक्स एच और एक्स एच, ठीक है एक्स एच और एक्स एच हीमोफिलिक, यहाँ देख लीजिए एक्स एच और वाई, यहाँ देख लीजिए एक्स एच और एक्स एच और वाई, ये देख लीजिए ये कैरियर मेल हो गया, ये कैरियर मेल हो गया, ये डिजीज्ड फीमेल हो गई या हीमोफिलिक, दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज कर सकते हैं, दोनों ही शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं, डिजीज के लिए या रोग, रोग क्या कहेंगे, डिजीज की हिंदी क्या होगी, रोग है, रोग वाले मतलब रोग वाली फीमेल, डिजीज डिजीज या हीमोफिलिक उसके लिए वर्ड आता है, हीमोफिलिक हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल कैरियर मेल, कैरियर मेल यानी 50% कैरियर मेल, कैरियर कैरियर मेल 50। अब इसका रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट रिजल्ट देखो, रिजल्ट हो गया 50% कैरियर, 50% कैरियर, कैरियर वाले वाहक के लिए, वाहक यानी कैरियर में 50% हो गए और 50% हो गए बेटा हीमोफिलिक, हीमोफिलिक हीमोफिलिक फीमेल, ये रिजल्ट हो गया। ऐसे रिजल्ट निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन आता है, कभी किसी को दिक्कत हो बताओ, दोनों कभी कैरियर नहीं होते हाँ बेटा, दोनों कभी कैरियर नहीं, दोनों कभी नहीं कैरियर होंगे। एक्स जीन जैसे लिखा है देखो एनसीईआरटी में कि एक्स इनहेरिटेड डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम पर इनहेरिट, जैसे एक्स क्रोमोसोम को जो है करेगा वो इन्फेक्ट करेगा तो एक्स वाले क्या हो जाएंगे अपना तुरंत, मैं मेल फीमेल मेल नहीं मेल नहीं मेल की मेल की वो कैरियर है भाई, हीमोफिलिक मेल कैरियर है, कंडीशन दिया है उसको ना, दिया है कंडीशन, जरा देखना तो बेटा मेल इज ओनली, इसमें तो अगर दोनों हो जाए
अगर भाई देखिए ऐसा क्रास तो आप बना ही सकते हैं, प्रॉब्लम जो भी हो क्रास आप बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, है ना। आप सिंबल सिंबल को उस हिसाब से कर लेंगे, क्रास बना लेंगे। बस ये है कि वाई पर आप हीमोफिलिक का जीन इफेक्ट नहीं करता, समझ रहे हो ना। अगर एक्स वाई है तो एक्स को इन्फेक्ट आप दिखाएंगे, इन्फेक्टेड बस क्लास करा देंगे, ठीक है। एक तो इस टाइप के प्रॉब्लम हो गए, और फिनाइल कीटोन्यूरिया में, फिनाइल कीटोन्यूरिया की क्या स्थिति होती है, कौन सा रोग इस टाइप का डिजीज है, ये आपको जानना चाहिए। यूरिया, यूरिया ज़्यादा एक्सक्रीट होता है जो ऐसे डिजीज पर्सन होते हैं, समझ रहे हैं ना। और जान रहे हैं किस एंजाइम की कमी से, दो क्वेश्चन इस पर बनता है इम्पोर्टेंट, हाइड्रोक्सिलेज बेटा, हाइड्रोक्सिलेज, जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है ना, वो जब बॉडी में लैग कर जाता है, उसकी जब बॉडी में कमी हो जाती है तो होता क्या है, जो फिनेलिक, जो फिनाइलिक जो सब्सटेंसेज हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। और बॉडी में यूरिया, यूरिन, यूरिन में यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है, होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ है क्या कि एमीन्स जो है, एमीन एमीन एमीन्स बॉडी में ज़्यादा एक्सेस हो जाएंगे, एमीन्स तो एमीन्स जब बॉडी में जा, और है क्या, लीवर, अगर इसमें लीवर कम काम करने लगता है तो लीवर का फंक्शन क्या है, डीएमिनेशन करना, डीएमिनेशन करना, हाँ डीएमिनेट करेगा ना वो, तो जब है मेल फीमेल, नहीं नहीं ऐसा कुछ इसमें तो नहीं दिया, मेल फीमेल का कोई इसमें वो नहीं है, स्पेशल कहीं लिखा है क्या उसमें, नहीं नहीं ब्रेन, ब्रेन में हाँ ब्रेन भी है, मेंटल रिटार्डनेस भी है, लेकिन फाइनल जब जो है क्या, जब इसके दो सिम्टम्स हैं, मेंटल रिटार्डनेस और यूरिन इन द यूरिया इन द यूरिन, एक्सेस यूरिया इन द यूरिन, यस मेल मेंटल रिटार्डनेस भी इसमें हो जाता, ठीक है ना, इस डिजीज में दो इसके सिम्टम्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है जी। फिनाइल कीटोन यूरिया के दो सिम्टम्स हैं बेटा, मेंटल रिटार्डनेस, हाँ रिटार्डनेस माने कमजोरी ही, मानसिक कमजोरी कह सकते हैं आप, और यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस, ये फिनाइल कीटोन यूरिया का सिम्पटम है दो, ठीक है क्या। हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, उस हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जब बॉडी में कम बनता है या नहीं बनता है, दोनों परिस्थितियाँ हैं, ठीक है ना, जो हाइड्रोक्सिलेज यानी फिनाइल कीटोन, ठीक है ना, जो हाइड्रोक्सिलेज है उसको डिसॉल्व करने वाला या उसको ऑक्सीडाइज करने वाला जो एंजाइम है कम बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये डिजीज होता है, यानी है क्या, जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है हमारे बॉडी में, हम कोई भी अगर एमिनो एसिड्स हमारे मात्रा में, और कैसे अधिक होगी, जब हम प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अगर कम हो गया तो बॉडी में हमारे एमिनो एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। करता कौन कंट्रोल है, लीवर, सुनो लीवर कंट्रोल करता है, लीवर क्या करता है, डीएमिनेशन कर देता है, उसको डीएमिनेशन प्रोसेस करते हैं, डी माने रिमूव करना, डी ई डीएमिनेशन, देख लो हिंदी में भी लिखेंगे तभी उसको डीएमिनेशन लिखेंगे बेटा, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन ये कौन करता है, लीवर करता है, कौन करता है, लीवर करता है, होता क्या है डीएमिनेशन में भाई, जब एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है बेटा, एक्सेस हो जाती है, एक्सेस, ठीक है ना। और ये एक्सेस कैसे होगा, जब इसको तोड़ने वाला, इसको जब ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम है हाइड्रोक्सिलेज, जब हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम बॉडी में कम बनेगा, ध्यान दीजिए, तो एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, एक्सेस कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, समझ लो इसको क्या कर जाएगा, बढ़ेगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जब बढ़ेगी तो क्या करेगा, ये जो लीवर है, लीवर डीएमिनेशन करना है,
एमिनो एसिड को तोड़ने का काम करता है, तो नहीं तोड़ पाएगा। तो जब नहीं तोड़ पाएगा तो क्या होता है कि इसकी ये जो है ये यूरिन में आने लगता है, यूरिन में क्या एमिनो एसिड। हम जानते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो कैटेगरी के एमिनो एसिड होते हैं। तो जो नॉन एसेंशियल होते हैं बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, बॉडी को तो बना देते हैं, बाहर से आउटर सोर्स से हमको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं बॉडी में, उनको हमको बाहर से कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल्स वगैरह से मिलता है, ये समझ रहे हैं इस बात को। तो जैसे एलानिन है, वायलिन है, एमिनो एसिड्स के नाम है ना बेटा, है ना। तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये नॉन एसेंशियल, अब किसी रिसोर्सेस अगर ज़्यादा आ गए, एक्सेस हो गया, तो इनका विघटन जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, या ऑक्सीडाइज होना, ब्रेक डाउन होना नहीं हो पाता बॉडी में किसी भी कारण से, जैसे भी हो किसी को एब्नॉर्मलिटी करते हैं, तो उस एब्नॉर्मल वाले पोजिशन में या कोई एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं बन पाता अगर, तो वह एमिनो एसिड धीरे धीरे कलेक्ट हो जाता है। जैसे देखिए आप सुने होंगे कि डॉक्टर किसी न किसी को दाल खाने से मना कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दाल खाने से प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से डी एमिनेशन, और यूरिया का फार्मूला क्या है आप जानते हो, NH2CO बोलो, यही तो है ना, यही तो है ना यूरिया का फार्मूला NH2CO, यानी ये यूरिया जो है ये यूरिन में एक्सेस अमाउंट में आने लगता है। बायोलॉजी केवल आपको इतना पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, ठीक है ना। मतलब ये है कि यूरिनेशन में यूरिया का एक्सेस अमाउंट में आ जाना, और ठीक है, और एमिनो एसिड्स में एमीन होता है ना, बोलो भाई एमिनो एसिड का क्या है, एसिमेट्रिकल कार्बन पर एक कार्बन पर एसिटिक ग्रुप होता है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक पर एमिनो ग्रुप, यही तो है, क्या है बताइए। देखो जो ये कार्बन बना COOH एक पर NH2 ग्रुप होता है, यही तो, और H ये है तो ये एसिड ग्रुप है, और ये क्या है बेसिक ग्रुप है। तो इसी से यहाँ जो नाइट्रोजन है ये पॉइंट में ही मिल करके जो है यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है, ये डीजीएम है फिनाइल ग्रुप यूरिया। और होता क्या है बॉडी में इसके दो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, एक सिम्टम्स ये है जो हमने आपको समझाया, और दूसरा इससे ये भी है कि जब ज्यादा यूरिया हो जाएगा तो मेंटल रिटार्डनेस ये मानसिक समस्या, इतना आपको पढ़ना है। ये जानते हो मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है इसी एंजाइम का, कि कौन सा एंजाइम कौन सा ऐसा एंजाइम है जो जिसकी कमी से ये होता है, तो ये आप नोट कर लीजिए हाइड्रोक्सिलेज। जो डायबिटिक इंसिपिटस है, देख लीजिए डायबिटिक इंसिपिटस क्या है, जब हमारे बॉडी में जो पैंक्रियास में आप जानते हैं कि दो सेल स्पेशल होती है, एक अल्फा सेल एक बीटा सेल, ठीक है ना। जो अल्फा सेल है देख लो बताना, जो अल्फा सेल है बेटा, अल्फा सेल्स हैं ये ग्लूटागॉन हार्मोन बनाते हैं, ठीक है ना। जो बीटा सेल है, बीटा सेल्स ये इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं, राइट। अब देख लो बता रहे हैं, देखिए है क्या ये दोनों ही हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बेटा, बॉडी में क्या ब्लड में, भाई बॉडी में मतलब हो गया कि ब्लड में, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे ब्लड में, ठीक है ना, शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा घटने और बढ़ने ना पाए,
घट गया तभी तो प्रॉब्लम है भाई, घट गया अगर ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाएगा तो ATP कम हो जाएगी, ताकत नहीं लगेगी, आदमी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, कमजोर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा जो ज्यादा हो जाएगा तो आपको डायबिटीज, कोई किसी को डायबिटीज देख लीजिए। तो ग्लूकोज में क्या है, जो ग्लूकोज लेवल है बेटा, ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, समझ रहे हैं ना, ग्लूकोज। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, बोलो है ना। अब देख लो, अगर इंसुलिन बॉडी में कम बनने लगे, लाइफ का जाए डिक्रीज करता है, क्या करता है, इसकी मात्रा डिक्रीज कर जाए, यही ना, अगर इसकी मात्रा कम कर जाए हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये घटाने का काम करता है, ये घटा रहा है, अब ये नहीं रहेगा तो अपने आप बढ़ेगा, तो ग्लूकोज लेवल क्या हुआ, बढ़ गया है ना, तो आदमी डायबिटिक हो गया, इसी को डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं, ये डायबिटिक इंसिपिडस। तो क्या है कि जो है यूरिन में भी शुगर आने लगता है और ब्लड में भी शुगर बढ़ जाता है, आदमी को प्यास बहुत लगता है जो डायबिटिक होते हैं, ठीक है ना, और बॉडी में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे तमाम समस्याएं आदा, ठीक है। तो अब इन सब पर टाइम ना वेस्ट करो भाई, मॉलिकुलर बेसिस आप इनहेरिटेंस शुरू कर दें आज, है ना, हाँ इंसिपिड ग्लूकोज की मात्रा कम, नहीं 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 है तो डायबिटिक, दोनों ही कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो इंसिपिडस के हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिलाइटस के हैं, है ना, कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जो मिलाइटस में ये है, इंसिपिडस प्रिलिमिनरी स्टेज है, मिलाइटस जो है जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर जब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है, जिसमें कि यूरिन में भी आने लगता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं बेटा, है ना, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट स्टेप टाइम, हाँ यही बात है ना, तो बताया होगा तो कैसे एक दिन लास्ट होगा तो कैसे काम चलेगा भाई, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है बाद में पूछ लिया करो बेटा, क्लास होने के बाद, है ना, क्लास में थोड़ा सा क्योंकि आपका चैप्टर रह जा रहा है ना, हम लोग जेनेटिक्स में ही तमाम टाइम देखिए लग गया, एक तो रेगुलर क्लास भी नहीं मिलती है भाई, दो ही दिन हफ्ते में क्लास होती है, तो ठीक है कन्फ्यूज़न तो आपका दूर होना चाहिए, सही बात है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा डिस्कस वाला टॉपिक अलग कर लीजिए, है ना, टाइम अलग कर लीजिए, क्लास के बाद कर लीजिए या क्लास से पहले कर लीजिए, हम तो आ जाते हैं 10-5 मिनट पहले ही, लेकिन यह है बाद में कर लूँ, है ना, टाइम हो गया तो जैसे क्या केमिस्ट्री वाले सर अभी नहीं आए ना, तो शुरू कर दिया जाए, शुरू तो कर दे कम से कम, है ना बेटा, हाँ नहीं चलेगा, नहीं सर नहीं आएंगे,
ठीक है फिर ना भाई, टाइम हाँ देख लो, 10 बजे रिक्शा हो गया।